यस प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 6। प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन बेस्ड ऑन द इक्वेशन, एनर्जी का इक्वेशन हमने पढ़ा था, E इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन जेड के अकॉर्डिंग। ये इक्वेशन है आपका। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमें बताना क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है। तो देखो माइनस लगा हुआ है तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके चलना है। जैसे जैसे आप एन इंक्रीज करोगे वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी आपका इंक्रीज होता जाएगा। देन फर्स्ट ऑप्शन देखो, इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट, बट ये इक्वेशन तो नहीं करता। एनर्जी चेंज तो डेल्टा ई करता है। तो इक्वेशन कैन बी मेड कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी, जब एक से इससे आप निकाल सकते हो ई टू माइनस ई वन करके, तो इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो आप। सेकेंड देखो, फॉर एन इज इक्वल टू वन द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर एन इज इक्वल टू सिक्स। एन इज इक्वल टू वन द इलेक्ट्रॉन हैज मोर एनर्जी देन, ये तो गलत हो गया ना बेटा, कि एन इज इक्वल टू सिक्स है तो एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। एन इज इक्वल टू वन, जैसे जैसे एन इंक्रीज होगा तो एनर्जी आपका इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर गलत हो रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा होगा, नॉट करेक्ट पूछ रहा होगा आपका। नेगेटिव साइन इंप्लाई मीन दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन इट वुड बी इलेक्ट्रॉन वर द इन्फिनाइट, वो ठीक है, कहता है एन इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगा। लार्जर द वैल्यू ऑफ लार्जर द ऑर्बिट रेडियस, ये भी ठीक है। तो हमें जो इनकरेक्ट लेना है, तो एन करेक्ट कौन सा होगा, ये कह रहा है एन इज इक्वल टू वन की एनर्जी ज्यादा होगी या एन इज इक्वल टू सिक्स की एनर्जी ज्यादा होगी। सो यू कैन से दैट एन इज इक्वल टू सिक्स का ज्यादा होगा, तो एन वन हैज मोर, ये गलत हो गया बेटा, मोर नेगेटिव एनर्जी देन, अच्छा यहां तक तो ठीक है, मोर नेगेटिव कह रहा है, इट्स ओके। देन आगे देखो, विच मीन दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर क्लोजली बॉन्ड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिटल, विच मीन दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली नहीं, मोर टाइटली होगा, जो न्यूक्लियस के पास होगा वो टाइटली होगा, मोर लूजली वो होगा जो दूर होगा। ये कहता है कि अगर स्मॉल ऑर्बिट है तो मोर लूजली होगा, लूजली नहीं, यहाँ गलत है, लूजली की जगह आना चाहिए था टाइटली। दैट वाई आधा स्टेटमेंट के बाद यहाँ गलत हो गया। क्लियर, इज इट क्लियर बेटा? यस सर, यस सर। हाँ नेक्स्ट चलते जाओ बेटा, सिक्स तक कोई और प्रॉब्लम? सर थर्ड, थर्ड वन देखो बेटा। According to Bohr theory, the angular momentum of electron in of fifth orbit, what is the angular momentum? Angular momentum fifth orbit पूछ रहा है, तो n का value use करना है, then is equal to nh upon 2 pi। mvr is equal to nh upon 2 pi, सो जाएगा। हाँ, mvr is equal to nh upon 2 pi, 5 है, तो n का value 5 put कर दो, तो 5h upon 2 pi हो जाएगा, जो answer आए वो 2.5 वाला आ जाएगा। Clear? नेक्स्ट आ जाओ, सिक्स तक किसी का और? हाँ अप टू सिक्स, एनी प्रॉब्लम बेटा? अप टू सिक्स, अप टू सिक्स, नो नेक्स्ट चलो। अप टू सिक्स के बाद ये आ जाओ, या आपकी कौन सी प्रॉब्लम है? नाइन तक सर, ये 8 वाला क्वेश्चन फिजिक्स का सा नहीं है? 8 वाला क्वेश्चन, ए बॉडी मूव डिस्टेंस 10 मीटर अंडर द फोर्स ऑफ इतना एंग, हाँ ये फिजिक्स का, ये नहीं करना बेटा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन, ये हटा दो, ये सब वही वो केमिस्ट्री में था ना सर। हाँ नहीं नहीं, फिजिक्स का ये उठाने में मिस्टेक हो गया ना, वो एक बार आइडिया रहता नहीं उसको कंप्यूटर वाले। यस, इसके बाद देखो 11 तक किसी का प्रॉब्लम? चले आगे, 11 तक नहीं है? एनीबॉडी एल्स, हैव यू एनी डाउट फॉर एनीबॉडी? नो नो सर। बाद में मत, पीछे मत आना बेटा, क्योंकि एक बार आगे चलने के बाद फिर टाइम वेस्ट होता है, पहले ध्यान से पूछ लिया करो। नेक्स्ट आ जाओ इधर,
14 तक किसी का प्रॉब्लम, 14 अप टू 14, तक नो, 15 टू 18, 18 सर, 18 18 ये देखो इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने आपको एक शेयर भी किया था, सॉल्यूशन भी किया था, पाई शा, इसको बोलते हैं शाई, एन एल एम, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन स्फेरिकल सिमेट्रिक। तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लेना है आपने, तो एक्साइटेड स्टेट है तो एन इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, कुछ भी ले लो बाकी, तो एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 जो भी आंसर होगा वो हो सकता है। एंड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज ए स्फेरिकल एसिमेट्रिक, तो स्फेरिकल हो गया, तो स्फेरिकल का मतलब एल का वैल्यू एस ऑर्बिटल है तो जीरो लेना पड़ेगा बिकॉज एस है हमारे पास, और एस के लिए एम का वैल्यू भी कितना होता है, जीरो होता है, तो इट मीन्स हमें साई कोई भी ऐसा वैल्यू लेना है, एन कितना भी हो लेकिन ये दोनों जीरो होने चाहिए, कोई भी एन बट नॉट इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज नॉट ए ग्राउंड स्टेट, इट इज द एक्साइटेड स्टेट। तो देखो फर्स्ट 310 नॉट पॉसिबल, 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो आपका साई 40 ये पॉसिबल है। ट्वेंटी तक किसी का और बेटा, 20 तक तो नहीं है किसी का और, सर ये 20 वाले में चीज पूछनी है, जो लाइमन और बाल्मर होती है वो दोनों ही तो सर विजिबल रीजन में नहीं होती? नो, लाइमन यूवी में बेटा, लाइमन अल्ट्रावायलेट में, बाल्मर, हाँ लाइमन अल्ट्रावायलेट, लाइमन अल्ट्रावायलेट एंड बाल्मर यूवी, उसके बाद वाली सारी जो है आईवी होती है, इंफ्रारेड आईआर, यूवी बाल्मर विजिबल एंड बाकी सब जितनी भी होंगी वो सब आईआर। क्लियर? ओके ओके सर। नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट आ जाओ आपका, यस दूसरी वाली डीपी भी आज ही कर रहे डिस्कस। हाँ मैंने बोला था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक बैक रह गया था, एक दूसरा था, चैप्टर नया स्टार्ट कर लिया था ना, वन से लेके थ्री तक, वन टू थ्री तक किसी का प्रॉब्लम सर? क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू बेटा देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेशन टू द हाइड्रोजन एटम इज करेक्ट, 3s ऑर्बिटल इज लोअर एनर्जी देन 3p, यू कैन सी दिस इज द हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम इज द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी ओनली डिसाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ एन, ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इंक्रीज होगा तभी तो एनर्जी चेंज होगा, इट मीन 3s और 3p का एनर्जी इक्वल होना चाहिए, तो वो तो कह रहा है लोअर, इट मीन ये गलत हो गया, हाइड्रोजन के लिए गलत हो गया। फिर कह रहा है 3p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3d, s का वैल्यू सेम तो एनर्जी सेम, ये भी गलत हो गया, 3s 3p 3d ऑर्बिटल सेम एनर्जी, तो ये करेक्ट हो गया बेटा। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो सिर्फ एन से डिसाइड करना है, नोट्स में भी बात बताई थी और मैंने कहा था पूरा ध्यान देना इस बात पे, एन प्लस एल जो होता है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखना होता है, ठीक है बेटा, ध्यान देना आगे। हाइड्रोजन okay, वाले केस में okay. सिर्फ एन से डिसाइड करना। थ्री तक किसी का और प्रॉब्लम? थ्री तक, अप टू 3, एनी मोर प्रॉब्लम? अप टू 7, अप टू 7, एनी प्रॉब्लम फॉर एनी स्टूडेंट अप टू 7? नो नो सर। देन फॉर फर्दर 8 to 14, 8 to 14, 8 to 14, 9 सर, 9। एनीवन सर, ये वाइब्रेशन के बाद 9 वाइब्रेशन का बेटा कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे क्लियर है 9, विच ऑफ द फॉर, मेरा वॉइस तो क्लियर आ रहा है ना बेटा? हाँ सर वॉइस क्लियर है आपका, और स्क्रीन क्लियर है? Which yes, of sir. the following, which sir. of the following, yes, 9 पूछ रहे ना, which of the following element will have the same number of electron in, क्या कहना चाहता है, हाँ, in s as well as p type of orbital,
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस एज वेल एज पी ऑर्बिटल। एस और पी में सब में सेम इलेक्ट्रॉन किसके, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना के काउंट करो। एम जी वाले में देखो 6-6 आएगा परहैप्स आई थिंक, बिकॉज 1s2 2s2 2p6 3s2 इट मीन 2 4 10 12। तो एस में देखो यस 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 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, एस भी 6 है और पी भी 6 है। तो क्वेश्चंस में एस और पी आपको इक्वल इलेक्ट्रॉन बताना, क्लियर। नेक्स्ट चलो बेटा 14 तक किसी का, अप टू 14 नो नो सर सर यस बोलो बेटा बोलते जाओ। वो वाइब्रेशन सर, बहुत ज्यादा वाइब्रेटिंग साउंड आ रहा है आपके। बहुत ज्यादा वाइब्रेटिंग साउंड आ रहा है? हाँ यस सर, लेकिन मेरे साइड से तो क्लियर आ रही है। आपकी वॉइस क्लियर आ रही है सर, सबको आ रहा है। शायद ईयरफोन्स के कारण आ रहा है सर, हो सकता है। हाँ एक बार वो सारा बंद कर दो, सिर्फ मेरी आवाज सुनो, फिर देखो मैं इधर ये नेक्स्ट बोल रहा हूँ। जिसने पूछना हो सिर्फ वही ऑन करो। 15 से लेके 17 तक बेटा, 15 टू 17 15 एंड 16। देखो 15 में सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2 पॉजिटिव इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ, पहले तो डी इलेक्ट्रॉन निकालो, फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा डी इलेक्ट्रॉन, सीधा डी इलेक्ट्रॉन जो आयरन में होगा Fe+2 में टोटल डी इलेक्ट्रॉन होगा आपका 6। अब देखो नीचे किस में पूछना चाहता है, कहता पी इलेक्ट्रॉन इन नियोन इक्वल देख रहे, पी इलेक्ट्रॉन क्या इसमें भी 6 आते हैं ये चेक करना है आपको नियोन में। तो नियोन का 1s2 2s2 2p6 तो 2p6 हो गया, तो इज नॉट इक्वल टू कह रहा है। तो इसमें देखो पी के इलेक्ट्रॉन 6 इसमें भी आ गए, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नंबर चेक करना है। ऐसे ही मैग्नीशियम में एस अभी निकाले थे 6 आए थे, लेकिन क्लोरीन में आप निकालोगे तो पी इलेक्ट्रॉन 6 नहीं आएंगे, बिकॉज क्लोरीन जो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 देन पी इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी पी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन क्लोरीन, 6 ये हो गए, 5 ये 11 हो गया, दिस कैन नॉट बी मैच विद दिस 6 इलेक्ट्रॉन, सो इट मीन्स इट इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल बताना है आपने। नेक्स्ट वन आफ्टर 15, नेक्स्ट वन सर 16 अप टू 16। एनी पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, बेटा कहीं भी अगर पी ऑर्बिटल वर्ड आ जाए, कहीं भी ऑर्बिटल वर्ड देख लो तो 2 इलेक्ट्रॉन ही आंसर देना है, बिकॉज इट इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एन ऑर्बिटल कैन ओनली अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। जहां भी वर्ड आप, ये हमेशा प्रॉब्लम आता है, यहां कुछ भी लिखाओ, पी लिखाओ, डी लिखाओ, एस लिखाओ, बट अगर ऑर्बिटल वर्ड लगा हुआ है तो आप ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आंसर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, क्लियर। यस सर। नेक्स्ट चलो बेटा, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट चलते जाओ 20 तक किसी का, और नेक्स्ट 20 तक नो नेक्स्ट चलो बेटा मैं आगे चलूं फिर। यस सर यस सर चलो बेटा सर बहुत वाइब्रेट सर वाइब्रेट का आवाज आ रहा है सर बहुत वाइब्रेशन का आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा क्या हो सकता है इस पर रीजन, अब टेक्निकली तो मैं नहीं जानता है तो रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ से तो क्लियर है जैसा जाता है वैसे ही जा रहा है। आप एक बार जब क्लास हो जाए ना तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उनको बता देना आप जो उसको होस्ट करते हैं ना मैडम होगी या उनको बता देना। यस बेटा देखो कल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की कुछ पॉइंट्स किए थे तो आज हम नेक्स्ट इसी के केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट देखते हैं हम। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द
शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। सर बहुत तेज आ रहा है वाइब्रेशन। सर बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है। हाँ अब देखो अब आवाज अब आ रहा है। सर आवाज तो क्लियर है लेकिन वाइब्रेट हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है वाइब्रेशन का? सर आपने ईयरफोन्स लगा के रखे हैं? नहीं मेरे पास तो वो जो हेडफोन है वही लगाता हूँ। सर तो शायद उसकी पिन के कारण आ रहा है। तो उसका फिर क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि उसको निकाल के वापस लगाओ एक बारी? नहीं तो हेडफोन जो है वो तो मैंने हटा के लगाया फिर दोबारा वापस लगाया। हाँ ये देखो ये दोबारा लगाया। अब आ रहा है? हाँ सर अभी भी आ रही है। आ रही है सर आपको नहीं आ रही है? नहीं मुझे नहीं आ रहा है इसमें। मुझे तो बिल्कुल क्लियर जैसे मैं बोल रहा हूँ या आप लोगों की जो आवाज आ रही है वो साफ आ रही है मेरे पास। सर वॉइस क्लियर है लेकिन वाइब्रेट हो रहा है। वही है ना कि वाइब्रेशन का क्या रीजन हो सकता है तो मैं आई डोंट नो कि भाई क्या रीजन हो सकता है। क्योंकि मैं तो रोज सभी की क्लास इसी से लेता हूँ, सबकी सारा दिन क्लासेस होती रहती हैं, चेक करता हूँ वॉइस को दोबारा बंद करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ। आप देखो बेटा। हाँ सर अभी भी आ रही है। मैं इसका होल्ड वो चेंज करके देखता हूँ एक बार। अभी भी आ रहा है? हमें चेंज कर अभी भी वाइब्रेशन है? यस सर। सर अभी भी है? अभी भी है तो मैं इसका दूसरा चेक करता हूँ, मैं दूसरे वाला लगा के देखता हूँ। चली गई सर? सर का ऑडियो बंद है। अरे चलेगा ले। सर ही चले गए क्या? हेलो। हाँ सर अब क्लियर है। हाँ सर अब क्लियर है। अब क्लियर आ रहा है? हाँ हाँ अब ठीक है सर। ठीक है मैंने आपको हमारी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर आ रहा है। ओके सर। सर आपको माइक ऑफ है? सर का माइक ऑन है सर, सर आप आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। सर जी सर फिर चले गए? सर का माइक ऑफ है सुन नहीं गए? अरे सर का माइक ऑन है। रितु मैम से पूछो ना क्या परेशानी हो सकती है। रितु मैम नहीं है, मधु मैम। मधु मैम? हाँ हाँ सॉरी मधु मैम। मधु मैडम? हाँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैम सर को कॉल करो ना। हाँ मैं कॉल करके बोलती हूँ। हेलो सर वॉइस नहीं आ रही आपकी, आप रुक जाओ।
माइक तो ऑन ही है सर का। सर ने वो अपने हेडफोन का पोर्ट बदला तो उससे सर की आवाज ही चली। हेलो हेलो सर क्लियर। हाँ ये ना मैं आई गोट द पॉइंट। एक्चुअली क्या है कि अभी वो नेट नहीं था तो फोन पे चल रहा था तो वो लाइट गई हुई थी, तो अब ये अब क्लियर होगा। उसी के कारण आ रहा था, वाइब्रेशन आ रहा था ना। यस सर। हाँ सर। हाँ उस रीजन से मैंने चेक कर लिया। अब देखो मैं आपको बता रहा था शेप्स एंड हाइब्रिडाइजेशन, जो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप में आज हम दो कंसेप्ट पढ़ेंगे और इसमें से प्रॉब्लम क्लियर है कि एक प्रॉब्लम जरूर आएगा हमारा, हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR थ्योरी। इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला। एक हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू एक फार्मूला V+M - C+A/2। इसको अच्छी तरीके से समझ लो तो एक सीधा डायरेक्ट फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन आ गया तो शॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। वी का मतलब है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी एक आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा उसके सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना है। हेयर एम का मतलब है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट साइड एटम, जो साइड वाले एटम है लेकिन मोनोवेलेंट होने चाहिए, मतलब सिंपली आपको हाइड्रोजन और हेलोजन काउंट करने हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन काउंट करने हैं, बाकी नहीं काउंट करने, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये काउंट नहीं करने आपको, हाइड्रोजन और हेलोजन। सी का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक चार्ज, कैटायनिक चार्ज, कैटायनिक चार्ज मतलब बेटा पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस फार्मूले में आपको जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो माइनस करना है। और ए मींस है बेटा यहां पर एनायनिक चार्ज, ए का मतलब है एनायनिक चार्ज, एनायनिक चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज। क्लियर, इस फार्मूले को अच्छी तरीके से आपने क्लियर कर लेना है कि भाई इन चीजों का ये मतलब है। जब भी आप ये फार्मूला लगाओगे then you can get some number and these number are the hybridization, these number may be 2, 3, 4, 5, 6, even 7. If these number is 2 it means hybridization is sp, number is 3 it means hybridization is sp2, number is 4 it means hybridization is sp3, number is 5 it means sp3d, sp3d and 6 sp3d2 and 7 sp3d3. But it should keep in mind in such a case hybridization we want to calculate the hybridization, then central atom only belong to, jo central atom hai valence electron jo hai only belong to s and p block element. Here we don't talk about the d block element, d abhi baat nahi kar rahe, इसलिए ये वाले हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं करेंगे हम, डी एस पी टू नहीं करेंगे अभी, ये जब डी ब्लॉक करूंगा तो उस टाइम वहां यूज होता है तो वहां बताऊंगा, और डी टू एस पी थ्री नहीं करेंगे अभी बात हम, डी टू एस पी थ्री और डी एस पी टू ये अभी बात नहीं करेंगे, एस और पी ब्लॉक वालों की बात करेंगे, डी वालों का अभी बात नहीं करेंगे, तो उनके लिए ये सब जगह एप्लीकेबल होगा। तो ये फार्मूला आपका एप्लीकेबल होगा, बट इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन या सेंट्रल एटम एस या पी ब्लॉक का होना चाहिए बेटा। इट इज क्लियर, जो अभी बात बताई है क्लियर है, कोई डाउट? Yes, किसी sir. को कि अभी डी ब्लॉक हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं सीख रहे हैं, डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीखेंगे हम। नाउ अब ये सेवन वाले का sp3d3 होगा ना? हाँ sp3d3 होगा, सेवन वाले का टोटल सम देख लेना सेम आना चाहिए, जैसे d3p3s7 होगी। अब सपोज आपके पास बेटा कोई भी एग्जांपल है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ H2O एग्जाम में, मैं कहता हूँ इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, वेरी सिंपल, ये आपको H2O दे दिया,
वेरी सिंपल, आप क्या करोगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन का रूल लगाओगे, ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट यू नो अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी क्लियर, वेरी क्लियर, तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो। जब भी आपका फर्स्ट ग्रुप होगा, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया एन फैक्टर बताया था, किया होगा आपने आगे पीछे चल के, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो जो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, लिथियम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब कोई भी अगर आपका हैलोजन फैमिली में आता है, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, देन आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही लेना सेंट्रल एटम के लिए। ऑक्सीजन सल्फर आता है 6 लेना है, नाइट्रोजन फास्फोरस कुछ भी आता है 5 लेना है, कार्बन टिन वगैरह कुछ भी आता है 4 लेना है, बोरोन एल्यूमिनियम के लिए 3। दैट्स वाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी आपको यूज करना है इस फार्मूले से यूज करना है। लेट सी दिस एग्जांपल, H2O, H2O में देखो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करना है फार्मूले के अकॉर्डिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम जब भी ऑक्सीजन होगा तो 6 आएगा, प्लस मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन या हेलोजन को मोनोवेलेंट कंसिडर करना है, उनका नंबर लिखना है, हाइड्रोजन 2 है तो हम 2 लिख देंगे, कोई चार्ज नहीं है तो और रिक्वायरमेंट नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो आप, तो देखो 6 और 2, 4 बाई 2, 8 बाई 2, आंसर आ गया 4, 4 का मतलब जब भी वाटर होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इन केस ऑफ वाटर हाइब्रिडाइजेशन sp3, वेरी सिंपल वे, बहुत इजी वे में आपका जब भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी इजीली कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने आपको दे दिया H3O पॉजिटिव एंड यू वांट टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, नाउ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन फार्मूला, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अगेन 6, मोनोवेलेंट एटम ओनली हाइड्रोजन 3, पॉजिटिव चार्ज माइनस करना है, मैग्नीट्यूड उसका माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 2 अगेन 4, इट मींस अगर मैं H2O को H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूं देन देयर इज नो चेंज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नो चेंज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अनदर एग्जांपल देखो, सपोज वी हैव अमोनिया एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द अमोनियम आयन, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन एंड वी वांट टू सी द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, नाउ दैट इज द नाइट्रोजन, फार्मूला लगाओ H, नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन देखो यहां पर फिफ्थ ग्रुप का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन ऐड कर दोगे बेटा 3 बाई 2, अगेन 4 आ गया, 4 मीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड इफ यू वांट टू सी इन द NH4 पॉजिटिव केस देन हाइब्रिडाइजेशन, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम 4, पॉजिटिव चार्ज माइनस करना है आपने बाई 2, अगेन 4, इट मींस अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो इफ वी चेंज द अमोनिया इनटू NH4 पॉजिटिव देन देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। अब ये वाला आप करो, देखो सपोज मैं 1:1 में BF3 ले रहा हूं, 1:1 BF3 एंड अमोनिया को लिया, BF3 और अमोनिया लिया और इन्होंने बना दिया एक कॉम्प्लेक्स BF3 अमोनिया, BF3 अमोनिया। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है हमें कि बोरोन का पहले कितना हाइब्रिडाइजेशन था, अब कितना हाइब्रिडाइजेशन है, नाइट्रोजन का पहले कितना हाइब्रिडाइजेशन था, अब कितना हाइब्रिडाइजेशन है, देन बेटा आप थोड़ा इसका एनालाइज करो, इसका पोस्टमार्टम करो, देखो BF3 है बोरोन, बोरोन जिस फैमिली का है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, हैलोजन साइड एटम है 3 बाई 2, इट मींस 3 वाला हाइब्रिडाइजेशन आ गया, हाइब्रिडाइजेशन 3 वाला है तो यहां पर बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, अमोनिया में अभी आपने कैलकुलेट ही किया है sp3। देखो अब अगर ये केस आ गया, ये तो मैंने नहीं बताया अभी आपको, बिकॉज अभी तक हम कैसे केस कर रहे थे जिसमें सेंट्रल एटम एक होना चाहिए बाकी साइड एटम होने चाहिए, वन सेंट्रल एटम अनदर साइड एटम, जब ऐसा केस आ जाए इसमें स्ट्रक्चर आ जाए, सपोज ये स्ट्रक्चर बना दिया इसने, तो उसमें आप सीधे सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे वहीं से आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा। तो देखो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा में कोवलेंट भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 बॉन्ड आ रहे हैं, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, देन देयर इज अ चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन, पहले आपका sp2 था bf3 में बट इस कंपाउंड में बोरोन का sp3 हो गया, बट नाइट्रोजन का चेंज करो, देखो नाइट्रोजन यू कैन सी द
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन 1, 2, 3, 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इट मीन देर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन बट देर इज ए चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन। क्लियर बेटा? तो बाई बॉन्ड कैसे निकाल सकते हो? यस बेटा, फिर से रिपीट करना बॉन्ड वाला। हाँ, ये लिख रहा हूं मैं इधर कि अगर आपसे मोर देन वन सेंट्रल एटम हो, मोर देन वन सेंट्रल एटम है आपके पास, मतलब मोलिक्यूल में सेंट्रल एटम एक से ज्यादा आ रहे हैं, तो आप स्ट्रक्चर से निकालोगे भाई, स्ट्रक्चर। तो आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए उस केस में। स्ट्रक्चर से कैसे निकालोगे आप? स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, चाहे वो कोवलेंट हो चाहे कोऑर्डिनेट हो, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों ही सिग्मा होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होने चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही कंसिडर करोगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर 2 आ जाएंगे तो sp3, आ जाएंगे तो sp2, और 4 आ जाएंगे तो sp3। तो बॉन्ड काउंट करने सिग्मा बॉन्ड 2 आएंगे तो sp3, आएंगे तो sp2, 4 आएंगे तो sp3। तो यू कैन सी इन दिस केस देर आर टू सेंट्रल एटम देन बोरोन। बोरोन देखो कितने साइड से बॉन्ड बना रहा है, जितने साइड से बॉन्ड बनाता है उतने ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। बोरोन 4 साइड से बॉन्ड बना रहा है, इस मतलब सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए, 4 हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 है तो sp3। नाइट्रोजन भी देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड बनाएगा तो sp3। जब बड़े बड़े मोलिक्यूल आ जाएंगे तो देन हम इसको स्ट्रक्चर से निकालेंगे। क्लियर सर? पूरे कॉम्प्लेक्स का भी sp3 आएगा ना? पूरे कॉम्प्लेक्स का नहीं होता बेटा, एक सेंट्रल एटम का होता है, जो सेंट्रल होता है ना उसी का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये सर ये वाला जो है BF3NH3। हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स सारा है, तो इसमें आप बोलोगे बोरोन अलग बात करोगे और नाइट्रोजन का अलग, जो भी सेंट्रल एटम होता है उसका होता है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? ठीक, चले आगे बेटा। अब देखो, अब एग्जांपल है, आप कितने मर्जी एग्जांपल करो, कुछ मैं डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी जैसे डिस्कस करता हूं मैं आपके पास। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, XeOF4, और मैंने इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया आपसे, तो बेटा आप फार्मूला यूज कर सकते हो। सेंट्रल एटम देखो जिनोन है, सेंट्रल एटम जिनोन है, तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला यूज करते हैं हम। जिनोन सेंट्रल एटम है और जिनोन 8th ग्रुप का होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना। साइड एटम हैलोजन है, तो हैलोजन या हाइड्रोजन काउंट करने हैं, 4 / 2, तो 8, 4 कितना होगा 12 / 2 कितना आ गया 6 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन 6 वाला sp3 d2 कर दोगे हम। क्लियर सर? इस केस में हमने ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया? वो मैंने आपको पहले ही फार्मूला बता दिया कि ऑक्सीजन को काउंट ही नहीं करना। फार्मूला ध्यान रखो ना, जब आप फार्मूला जब तक दिमाग में नहीं रखोगे तो आप मिस्टेक कर सकते हो। यहाँ क्या बताया देखो मैंने, इसीलिए तो सबसे पहले यही तैयार किया मैंने आपको, हाइड्रोजन इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका लेना बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का। और एम किसका लेना है? एम सिर्फ क्या लेने हैं हमें? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, कौन से वाले? साइड वाले, और उसमें भी सिर्फ किसको यूज करना है? एच और एक्स को यूज करना है, एच और एक्स को, एक्स को मैंने क्लियर कट क्रॉस किया है, किसको क्रॉस किया है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कुछ भी आ जाए, मतलब आपको साइड एटम सिर्फ कौन से काउंटिंग में लेना है बेटा? हाइड्रोजन और हैलोजन, जो एक सिंगल बॉन्ड बना सकते हो। क्लियर? यस सर। देन लेट मी शेयर सम मोर एग्जांपल। सपोज मैंने आपको दे दिया CO3 2 नेगेटिव, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल, तो निकालो बेटा। देखो कैसे निकालोगे, सॉल्व करो। CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव,
यार ये आप नो नीड ऑफ इनफ टाइम टू दिस क्वेश्चन एसपी एसपी टू एनी अदर स्टूडेंट एसपी टू ओके देखो लेट मी चेक कार्बन कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा कार्बन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है फोर फोर और ऑक्सीजन तो काउंट करना नहीं है बेटा आपको और नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है फोर और टू सिक्स बाई टू थ्री मतलब वो फार्मूला ऊपर वाला अच्छी तरीके से लगा दो आपका आंसर निकल जाएगा एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन थ्री वाला आया एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन सपोज मैंने दे दिया आपको एस एन सी एल टू इसका निकालो देखो एस एन सी एल टू और सीओ टू दो एग्जाम्पल दे दिए मैंने इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको एस एन सी एल टू सीओ टू सीओ टू का एसपी CO2 का SP SP सर SP होगा इसका SP हो गया SnCl2 का सर SN का कितना होगा SN का वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करो सोचो मान लो एग्जाम में आ गया तो कैसे करोगे SN किस ग्रुप का है कार्बन वाले ग्रुप का है ना बेटा SN यस सर यस सर देखो एक्चुअली जब भी मैं कोई पढ़ाता हूँ ना जो इंपोर्टेंट चीजें होती हैं उसको जरूर समेराइज करता हूँ अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो एस एन लिखा है ये देखो मैंने कार्बन एस एन मतलब बहुत सारे एलिमेंट में ये लिखे हैं तो यही आपके एग्जाम में ज्यादातर आएंगे इधर से एक जीनोन और आ सकता है तो सर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार हो जाएंगे फिर हाँ बिल्कुल चार हो जाएंगे बेटा और चार हो गया आप फार्मूला लगा दो एसपी टू सर अब देखो एस एन कार्बन की फैमिली का ही है ना वेरी गुड एस एन कार्बन फैमिली का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर मोनोवेलेंट एटम टू आ गए फोर और टू बाई टू तो कितना आ गया थ्री वाला हाइब्रिडाइजेशन मतलब एसपी टू सीओ टू में देखो ऑक्सीजन काउंट करना नहीं है कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ ओनली फोर कोई चार्ज भी नहीं है प्लस माइनस बाई टू तो टू वाला आ गया तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्लियर बना लो गया वैसे अब एक टिपिकल सा एग्जाम्पल देता हूँ अब मुझे आंसर निकाल के दिखाओ आई थ्री नेगेटिव I थ्री नेगेटिव SP टू वो SP S P P SP होगा और SP होगा सर SP हो रहा है देखो अब करना क्या है थोड़ा मैं हिंट दे दूं आपको भाई I थ्री है जिसमें से एक I तो सेंट्रल एटम हो जाएगा आप इसको ओपन करके लिखो ना इसे I थ्री में एक I का कितना हो जाएगा एक सेंट्रल एटम दो I साइड एटम हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज अब ये जो सेंट्रल एटम है आयोडीन हेलोजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना आ गया सेवन अब ये दो ही साइड एटम है तो मैं प्लस टू करूंगा अब और नेगेटिव चार्ज को ऐड करेंगे बाई टू तो फाइव वाला हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो फाइव वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है देखो एस पी थ्री डी तो इसका मतलब ये आंसर आपका गलत तो आई थ्री नेगेटिव आई थ्री नेगेटिव को पहले कैसे लिखोगे पहले एक सेंट्रल एटम होगा टोटल थ्री एटम है समझ रहे हो ना बेटा बात तीन है तो एक तो सेंट्रल में रखना ही होगा आपको दो आयोडीन साइड एटम में हो गए ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो आई जो है वो एक सेंट्रल एटम है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हाइब्रिडाइजेशन लिखूंगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेवन आ गया उसका दो आयोडीन हेलोजन साइड एटम है तो दो और ऐड कर दिए और नेगेटिव चार्ज है तो मैंने नेगेटिव को प्लस करना होता प्लस कर दिया बाई टू तो आंसर क्या देंगे ध्यान रखना एसपी मत करना क्योंकि आपने ऐसे लगा दिया स्ट्रक्चर याद होती है कई बच्चों को लीनियर एसपी कर दिया तो जरूरी नहीं है कि लीनियर है तो एसपी ही आएगा वो अभी आगे बात करेंगे अभी शेप सिखाऊंगा जब अभी तो हाइब्रिडाइजेशन सिखा रहा हूं तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया एसपी थ्री डी क्लियर समझ गए ना बेटा ये कैसे आया एसपी थ्री डी ऐसे करना है आपको अब देखो एक एग्जांपल और दे रहा हूं फिर आगे बढ़ते हैं मैंने आपसे पूछ लिया अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन सर एसपी थ्री एसपी टू इस वाले का कितना आ रहा है अमोनियम वाले का एसपी थ्री और एनओ टू वाले का एसपी थ्री एसपी टू
लेट मी चेक देन व्हाट टू डू इन दिस टाइप ऑफ केस एक्चुअली दैट इज द साल्ट अमोनियम नाइट्रेट सो यू कैन ब्रेक दिस कंपाउंड वन इज द अमोनियम आयन प्लस नाइट्रेट आयन देन इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन अभी फार्मूले बनाए थे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 हाइड्रोजन ऐड करना है प्लस चार्ज माइनस करना है तो कितना आ गया 4 तो sp3 हो गया बट इन नाइट्रेट आयन नाइट्रोजन का वापस 5 ऑक्सीजन काउंट करना नहीं है नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है 2 तो 3 वाला आ गया sp2 तो ऐसे केस में व्हाट डू यू नीड टू ब्रेक द मॉलिक्यूल इन आयंस बिकॉज आयंस का केस होगा तो आप लगा लो सर स्ट्रक्चर पे भी तो कर सकते हैं स्ट्रक्चर में लंबा हो जाएगा उससे इजी ऐसा ही है अमोनियम नाइट्रेट को ब्रेक करो अमोनियम आयन नाइट्रेट आयन फार्मूला लगाया सीधा आंसर आ गया सर स्ट्रक्चर में भी यही आ रहा हां स्ट्रक्चर में भी यही आएगा यहां स्ट्रक्चर बना के करो तो जैसा आपको इजी लगे क्लियर जी सर कर लोगे बेटा आप हाइब्रिडाइजेशन वाले केस यस सर अब देखो मैं एक चीज फिर और सिखाता हूं आपको अब मैं आपको सिखा रहा हूं एक चीज हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर मान लो ऑर्गेनिक स्पीसीज मिल जाए तब आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे देखो बेटा जब भी आपका हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाए तो आप क्या करना सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कौन से आगे चल के बताऊंगा Which do not involve in resonance. जो resonance में involve नहीं होते हो बेटा वो लेने हैं Do not involve in resonance. Resonance में समझते हो ना जो अपने alternative position पे चले जाते हैं तो sigma bond और lone pair count करेंगे number आपके आएंगे 3 type के number आएंगे या तो ये आपका 2 या 3 या 4 आएगा 2 आ जाए तो sp hybridization करना 3 आ जाए तो sp2 कर देना और 4 आ जाए तो sp3 कर देना एज एग्जांपल सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं इथेन का इथेन है c2h6 इथेन यू नो कार्बन का वैलेंसी तो 4 ही होता है बेटा कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बनाएगा तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो इथेन है तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहां पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा अब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो बड़ी इजीली सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 एंड इसका भी sp3 अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं c2h4 तो c2h4 इथीन है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड है वैलेंसी पूरी करोगे कार्बन की 4 तो ये आ जाएगा बेटा तो 1 2 3 पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना सिग्मा करने 1 2 3 3 वाला है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 इसका भी sp2 अब मैं थोड़ा सा और आगे बात ले जाता हूं कि सपोज मैं आपका एग्जांपल रखता हूं ये यह है फिनोल बेटा और यह है फिनोक्साइड आयन ये जो डू नॉट इन्वॉल्व रेजोनेंस में जो लोन पेयर जो लेना है आपने वो चार्ज वाली स्पीसीज में ही रेजोनेंस लेनी है विदाउट चार्ज स्पीसीज है तो उसमें रेजोनेंस नहीं लेनी है रेजोनेंस जो लेना है सिर्फ इन चार स्पीसीज लेना है इन यहां बहुत कंफ्यूज होता कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इन चार स्पीसीज में रेजोनेंस लेना है जैसे मैंने ये एग्जांपल दे दिया देखो बेटा ये तो है फिनोल यू नो और ये है फिनोक्साइड आयन अब मुझे इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है और इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना है अब देखने में देखो क्या लग रहा है आपको ये देखो डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड लोन पेयर अब ये देखने में लोन पेयर आपको लग रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर इसको रेजोनेंस में ले जाना है लेकिन अब नहीं काउंट अब आपने रेजोनेंस में काउंट नहीं करना है इस लोन पेयर को काउंट कब करना है विच डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस ये जो है विच डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस कब कंसीडर करनी है सिर्फ चार स्पीसीज में जैसे ये ओ नेगेटिव है तो रेजोनेंस कंसीडर करना
क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, अनस्टेबल है, अनस्टेबल में स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस देना पड़ता है। तो इसमें तो आप रेजोनेंस में, मतलब इसमें से एक लोन पेयर को रेजोनेंस में भेज देना आप, लेकिन इसमें से रेजोनेंस को मत भेजना रेजोनेंस में, और हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना। तो कैसे काउंट करोगे, वन टू, टू सिग्मा बॉन्ड और टू लोन पेयर, टू सिग्मा बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत कंफ्यूजन रहता है इस केस में, तो कंफ्यूजन क्लियर कर लेना, टू सिग्मा बॉन्ड टू लोन पेयर, टू सिग्मा बॉन्ड टू लोन पेयर। तो फिनोल में टोटल सम आ गया फोर, फोर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन दोगे sp3। तो जब भी एग्जाम में फिनोल आ जाए और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो sp2 मत देना, sp3 देना। बट अगर इस केस में आ जाओ आप, बिकॉज ये चार स्पीसीज है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो लोन पेयर को एक को रेजोनेंस में भेज देना, क्योंकि चार स्पीसीज है, चार स्पीसीज में रेजोनेंस में भेजना है। अब आप क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड सिग्मा एक ही बॉन्ड रह गया और लोन पेयर सिर्फ दो रह गया आपके पास, तो आप बोलोगे आप वन सिग्मा बॉन्ड है और प्लस टू लोन पेयर है, तो टोटल सम कितना हो गया मेरे पास थ्री, देन फिनोक्साइड आयन में आप बोलोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो फिनोल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, बट फिनोक्साइड में sp2। जैसे मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे, CH2 नेगेटिव चार्ज वाले का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। CH2 नेगेटिव इसमें और CH2 नेगेटिव इसमें, सर sp2 है ना। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें देखो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड चार्ज वाला है ना, तो चार्ज वाला कहां भेज दोगे, रेजोनेंस में, मतलब इसको आप रेजोनेंस में भेज देना, इसको काउंट मत करना sp2। हाँ, सिर्फ हाइड्रोजन वाला काउंट करना, तो कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे, दो हाइड्रोजन और एक इधर से कार्बन वाला सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब थ्री सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन दोगे थ्री वाला sp2। बट यहां रेजोनेंस ही नहीं है, देखो बेटा ये लोन पेयर तो है, चार्ज भी है, लेकिन यहां डबल बॉन्ड तो नहीं है ना, जब लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता तो रेजोनेंस होता, तो रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं, ये इधर तो जाएगा नहीं, इधर नहीं जाएगा, तो काउंट करेंगे इसको हम, तो दो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, मतलब ऐसे दो एच वाला, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या दोगे sp3। क्लियर। अब आपके पास एक प्रॉब्लम आने वाला बेटा, वो प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अकेला इलेक्ट्रॉन हो, तो हाइब्रिडाइजेशन में यूज करें या नहीं करें। तो इसमें इफ नोट लिख लो, इफ साइड एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट यूज्ड, बट इफ साइड एटम या एटम्स आर हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जैसे फ्लोरीन आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कल पड़ी थी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड। मतलब फ्लोरीन हो तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लेना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, और अगर हाइड्रोजन वाइड्रोजन हो तो काउंट मत करना। जैसे एग्जांपल है, काफी इंपोर्टेंट एग्जांपल होता है ये भी शेयर, कि सपोज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन कह दूं, एक मुझे दे दो CH3 डॉट और एक मैं कह दूं CF3 डॉट, दोनों का मुझे हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, CH3 डॉट और CF3 डॉट। देखो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना हाइड्रोजन, और फ्लोरीन जो आपका है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो CH3 में ये वाला डॉट इलेक्ट्रॉन मत काउंट करना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में, सिर्फ थ्री हाइड्रोजन काउंट करना, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा थ्री बॉन्ड वाला CH, ये इलेक्ट्रॉन आपको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना, तो हाइब्रिडाइजेशन दोगे बेटा sp2 3 वाला दोगे, 1 2 3। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है
और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स फ्लोरीन इज द प्रेजेंट इन दिस स्पीसीज, देन नाउ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन. नाउ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, CF3 एंड वन इलेक्ट्रॉन, ये भी यूज करोगे 1, 2, 3, 4, देन हाइब्रिडाइजेशन इज SP3. क्लियर बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना. जब फ्लोरीन वगैरह होते हैं तो अकेले इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाता है, अगर फ्लोरीन वगैरह नहीं होते तो हम इसको काउंट नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन. सर ये सिर्फ फ्लोरीन के केस में होगा? हाँ, बिकॉज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन या ऑक्सीजन वाले केस आएंगे उसी के अंदर आएगा ये. लेकिन ये नाइट्रोजन में एन पर आ जाएगा तो 3 तक कर लेना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, यहां तक. जनरली जो प्रॉब्लम जो पूछा जाएगा वो आपसे CF3 और CH3 का पूछा जाएगा, इसलिए मैंने एग्जांपल यही शेयर कर दिया. यस सर, यस. क्लियर? चलो बच्चों, ये तो हमने सीख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकाल सकते हैं. अब बात आती है शेप की बेटा. तो शेप पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि शेप, रेगुलर शेप क्या होती है और उसमें डिस्टोर्शन कैसे आता है. शेप बनाने से पहले शेप समझ लेते हैं. रेगुलर शेप बेटा ऐसे है, जैसे मान लो कोई सेंट्रल एटम ए है और ए के पास सिर्फ दो ही बॉन्ड बनाने हैं आपको, ए के पास दो बॉन्ड बनाने, तो दो बॉन्ड अपने से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे जिससे कि रिपल्सन कम हो और वो एंगल होगा 180 डिग्री, जैसे एक कॉपी में हम ऐसे बना देते हैं तो 180. तो इस टाइप की शेप को बेटा बोलते हैं लीनियर शेप. इस वाली शेप को बोलते हैं हम लीनियर शेप. और जो लीनियर शेप है वो हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है लीनियर शेप, तो लीनियर शेप का हाइब्रिडाइजेशन जो हो सकते हैं वो आपके SP में मिल सकती है लीनियर शेप. तो इसमें SP के अंदर मिल सकता है आपको इस टाइप का शेप, और किस में मिल सकता है आपको, SP3D हाइब्रिडाइजेशन में मिल सकता है, वो कैसे मिलेगा अभी बताऊंगा, और आपको SP3D2 में मिल सकता है लीनियर शेप. तो जब आपको लीनियर शेप करना हो तो SP में मिल सकता है, SP3D में मिल सकता है और SP3D2 में, कैसे होगा अभी हम देखेंगे. दूसरे टाइप का जो रेगुलर शेप है आपका वो होता है अगर थ्री बॉन्ड हो जाएं, थ्री बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर बेटा ट्रायंगल की तरह अरेंज हो सकते हैं और उनके बीच जो एंगल आ जाएगा वो सब जगह इक्वल एंगल आएगा और ये एंगल आ जाएगा 120 डिग्री एंगल. जो 120 डिग्री एंगल आता है तो इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप. ट्राइगोनल प्लेनर शेप आपका SP2 हाइब्रिडाइजेशन में आ सकता है एंड SP3D में भी आ सकता है, दोनों में ट्राइगोनल प्लेनर बन सकते हैं. फिर आपके पास शेप आता है कि सेंट्रल एटम ए होता है जिसमें दो बॉन्ड जो होते हैं वो प्लेन पर होते हैं बेटा, ऐसे प्लेन में, जिनके बीच एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन एक जो होता है बिल्कुल ऊपर की साइड अबो द प्लेन रहता है वो भी इनके साथ एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, और एक जो होता है नीचे होता है इनके साथ, मतलब 3D में ये मॉलिक्यूल होता है, ये चारों एक प्लेन में नहीं होते, 3D के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं. इस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है SP3 और इस शेप को बेटा बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप. अब टेट्राहेड्रल शेप से अलग अलग टाइप की शेप बन सकती हैं. कैसे अलग अलग टाइप की शेप बन सकती हैं टेट्राहेड्रल से? सपोज इस टेट्राहेड्रल में एक बॉन्ड को हटा दिया जाए, कोई भी एक बॉन्ड हटा दिया जाए तो एक बॉन्ड हटने पर शेप क्या बन रहेगी आपकी, कि एक बॉन्ड हटा दिया सपोज मैंने, तो एक बॉन्ड हटा दिया तो एक बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया तो हमारे पास बाकी 3 बॉन्ड रह गए. ऐसे तो हाई ये जो है एक बॉन्ड नहीं रहा, उसकी जगह एक लोन पेयर आ गया. दूसरा ये हो सकता है, इस शेप से ये शेप भी बन सकती है, एक बॉन्ड और हट जाए तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड रह जाएं, मतलब जहां बॉन्ड हटते जाए वहां लोन पेयर लगाते जाओ, वो पेयर है लेकिन बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो इस शेप को तो बोलते हैं टेट्राहेड्रल. जब ये 3 वाला हो जाता है तो इस शेप को बोलते हैं पिरामिडल. ये बेटा शेप होता है आपका पिरामिडल. और ये वाला शेप जो होता है जिसमें 2 लोन पेयर हैं, इस शेप को बोलते हैं हम 1, 2, 3, 4, इसको बोलते हैं एंगुलर या बेंट.
एंगुलर या बेंट शेप। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसी शेप से ये दोनों शेप निकली है, sp3 ही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन सब में sp3 ही रहेगा। इट मींस sp3 शेप में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यू कैन गेट थ्री टाइप ऑफ शेप, या तो टेट्राहेड्रल या पिरामिडल या एंगुलर। अब आ जाओ इस वाली शेप के अंदर, देखो इस वाली शेप में अगर एक बॉन्ड और हट जाए तो ये इस टाइप का शेप बन जाएगा, ए बी और बी, और एक लोन पेयर रह जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो sp2 है यहां पर, वो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp2 ही रहेगा, लेकिन आपकी शेप जो हो जाएगी वापस एंगुलर या बेंट शेप आ गई। तो एक से ज्यादा शेप अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन से दी जा सकती है। इधर देखो एंगुलर शेप sp3 से मिली, ये एंगुलर शेप sp2 से मिली, लीनियर में आपके पास यही पॉसिबिलिटी रहेगी। अब आपके पास नेक्स्ट वाली शेप जो आती है बेटा, वो ये आती है, इसको हम बोलते हैं TBP, नेक्स्ट शेप TBP। TBP का मतलब है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल TBP। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बिल्कुल इस टाइप की शेप होती है जैसे हमारा फैन होता है, फैन, फैन में थ्री ब्लेड होते हैं और थ्री ब्लेड जो होते हैं वो 120 डिग्री पर होते हैं, उसके वो जिस फैन जिससे बंधा होता है उसको एक्सियल बोलते हैं हम। बस ये एज्यूम कर लो कि वो एक्सियल ऊपर भी निकला हुआ है और नीचे भी निकला हुआ है। तो इस टाइप की जो शेप आती है, इस टाइप की शेप जो रहती है, उस शेप को हम बोलते हैं, ये ट्राइगोनल हो जाता है ये वाला, एक ऊपर की तरफ बॉन्ड एक नीचे की तरफ बॉन्ड, इसको बाई पिरामिडल बोल देते हैं, टी बी शेप, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप टी बी शेप। इस टीबी शेप में ये वाला एंगल जो होगा वो आपका 120 डिग्री का होगा और जो ये वाले एंगल हैं वो 90 डिग्री के होंगे और ये दोनों एक्सियल जो हैं वो 180 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि एक्सियल तो जो होंगे ऊपर नीचे बिल्कुल सीधा, एक बीच में डंडा होगा जो 180 डिग्री पर होगा। बट इस शेप से फिर डिफरेंट टाइप की शेप बना सकते हो। सपोज बॉन्ड ब्रेक करते जाओ, इस बॉन्ड में जो बेटा ये ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड होते हैं इनको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, और जो ट्राइंगल में होते हैं बॉन्ड उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। अब क्या है, इन शेप में इक्वेटोरियल बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट करें, क्योंकि ये तो ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो ज्यादा डिस्टेंस वाले स्टेबल होते हैं, पास वाली डिस्टेंस वाले अनस्टेबल हैं, क्योंकि ये देखो एक्सियल के साथ ये वाला 90 डिग्री पर है, तो ये जो है 90 डिग्री वाला दूसरे इस एक्सियल से रिपेल होगा तो ये पहले ब्रेक होगा। तो मान लेते हैं एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ट्राइगोनल में तो दो ही रहे, और ऊपर वाला और नीचे वाला ये बॉन्ड रहे, और यहां एक लोन पेयर आ गया। बट जब ये लोन पेयर आएगा तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड को रिपेल करेगा, इसलिए ये एंगल अब लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड भी लेस देन, इधर से देखोगे तो लेस देन 180 डिग्री, इधर देखोगे तो मोर देन 80 डिग्री हो जाएगा। इस टाइप की शेप को बोलते हैं सीसा शेप। अगर इसके अंदर एक बॉन्ड और इक्विटोरियल टूट जाए तो ये बिल्कुल ऐसे रहेगा कि भाई ये दो बॉन्ड टूट गए तो इधर लोन पेयर आ गया, यहां लोन पेयर आ गया, ये वाला बॉन्ड ऐसे एंड ये वाला ऐसे बेटा। तो इस शेप को जब हम बोलेंगे तो ये टी जैसा है, देखो टी शेप बोलते हैं इसको, या एरो शेप भी बोल सकते हो आप। अगर ये वाला इक्विटोरियल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाए तो बैलेंस स्टेब्लिश हो जाएगा वापस, ये ऐसे और ये ऐसे आ जाएगा, मतलब यहां पर एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, तीन इलेक्ट्रॉन इधर, तीन इलेक्ट्रॉन इधर, बैलेंस हो गया। ये इस टाइप की शेप को लीनियर बोलते हैं। तो यू कैन सी जब भी टी बी पी में पांच के पांच बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन तो क्लियर है कि इसका sp3d थ्री डी रहेगा। तो बट sp3d थ्री डी में बेटा आप देख सकते हो कि आपकी कितने टाइप की शेप बन सकती है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d थ्री डी रहेगा, sp3d थ्री डी में अगर परफेक्ट स्ट्रक्चर बना तो TBP बनेगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, एक इक्विटोरियल बॉन्ड कम हो गया तो सीसा शेप होगा, दो इक्विटोरियल बॉन्ड कम हो गए तो टी शेप होगा, और तीन इक्विटोरियल बॉन्ड कम हो गए तो लीनियर शेप होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग शेप कैन बी ऑब्टेन, दीज फॉलोइंग टाइप ऑफ शेप कैन बी ऑब्टेन। कोई डाउट बेटा किसी को, TBP में काफी इंपॉर्टेंट है, TBP में sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर फोर टाइप की शेप पॉसिबल है।
नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आता है देखो आपका sp3d2, तो जब आपका हाइब्रिडाइजेशन बेटा ये आ जाए sp3d2, तो इसमें देखो टोटल 6 बॉन्ड आ रहे हैं। अब अगर 6 के 6 बॉन्ड हम अरेंज करें, 6 का 6 बॉन्ड हम अगर अरेंज करते हैं तो 4 ब्लेड, और एक एक्सिस अबो द एक्सिस और एक बिलो द एक्सिस आ जाएगा। तो इसमें जो सारे के ऑल एंगल 90 डिग्री होंगे, ऑल 90 डिग्री होंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक्सियल बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट ये एक्सियल ब्रेक होगा बिकॉज ये 90 डिग्री पर है, तो एक्सियल ब्रेक होगा तो नीचे वाला बॉन्ड तो रह गया, ऊपर वाला ब्रेक हो गया। तो इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को जो फर्स्ट बनाई है इसको बोला जाता है बेटा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा हेलो सर, सर जी सर आप सर स्क्रीन ऑन स्क्रीन गया है, मैं देख रहा हूँ, वही चेक कर रहा हूँ। देखो बेटा इस हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे sp3d2, अगर सारे के सारे 6 बॉन्ड आ जाएं 1 2 3 4 5 6 तो परफेक्ट ज्योमेट्री है, ऑल एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑक्टा। सर स्क्रीन पे, हां हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी सर, स्क्रीन तो आई नहीं अभी, नो स्क्रीन सर, लेट मी चेक। यही तो बेटा ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क होता है ना। दिख रहा है बेटा, अभी शो हो रही है बेटा? देखो अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, 6 का 6 बॉन्ड है, तो ऑल 90 डिग्री एंगल होंगे, इस शेप को ऑक्टाहेड्रल, या एक नाम और आता है कई बार इसका, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल SBP, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। अगर इसमें देखो इसमें एक्सियल बॉन्ड कम होने लगते हैं, एक एक्सियल बॉन्ड कम होगा तो इस टाइप का शेप बनेगा, तो स्क्वायर तो है प्लेनर लेकिन एक बॉन्ड कम हो गया तो इसको स्क्वायर पिरामिडल बोल देते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। और अगर दूसरा एक्सियल बॉन्ड भी चला जाता है तो सिर्फ इस टाइप की शेप बचती है, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर
गुरुजी स्क्रीन फिर चली गई। और फिर अगर ये ऐसा ऐसा शेप रहेगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, तो इट मींस वी कैन से दैट अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, दिख रहा है ना बेटा आप स्क्रीन, आ गया ना वापस sp3, सुन रहे हो बेटा मेरी आवाज? यस सर, आ गया। हाँ sp3d2 यस सर, हाइब्रिडाइजेशन आ है, तो रही थ्री, आवाज। हाँ थ्री टाइप का शेप पॉसिबल है, तो इट मींस एक ही हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट टाइप की शेप पॉसिबल होती है, और ये हमें सारी निकालनी होती है कि भाई किस टाइप का शेप पॉसिबल हो रहा है। तो इसमें अब हम बात करते हैं शेप की। सपोज हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और फिर शेप करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल के शेप करते हैं। अब हम, अब पॉइंट आता है हमारा शेप का। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अभी वाले एग्जांपल दोबारा स्टार्ट करते हैं हम, XeOF4। XeOF4 का हमें शेप निकालना है, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनोन है तो बेटा 8, ऑक्सीजन काउंट नहीं करना, दोबारा चलो वही वाली बात, 4/2, तो कितना आ गया 8 और 4, 12/2 मतलब 6 आ गया। 6 आ गया तो 6 से हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया आपका sp3d2। अब हम शेप बनाना चाहते हैं, तो शेप के अंदर हम क्या करेंगे, देखो एक ऑक्सीजन है, 4 फ्लोरीन है, तो 6 के 6 बॉन्ड तो बनाने नहीं है, सिर्फ 5 जगह बॉन्ड बनाने हैं, तो इसका मतलब यहां पर 5 बॉन्ड होंगे, 1 लोन पेयर होगा। अब 1 लोन पेयर में एक चीज क्लियर करनी है कि जो मल्टीपल बॉन्डेड होता है, मल्टीपल बॉन्डेड एटम, उसको सबसे पहले, मल्टीपल बॉन्डेड एटम को सबसे पहले आपको इस हाइब्रिडाइजेशन में sp3d2 में एक्सियल पोजीशन पे रखना होता है। सेकेंड नंबर आता है लोन पेयर का, फिर आप लोन पेयर को एक्सियल में रखोगे, बाकी जो बचेंगे उनको बाकी बॉन्ड पर रख दोगे। तो हमारे पास देखो XeO4 का हाइब्रिडाइजेशन आया, हाइब्रिडाइजेशन आया 6, तो 6 बॉन्ड बना लेते हैं पहले, तो सेंट्रल एटम जिनोन, 6 बॉन्ड ये आ, इस 6 बॉन्ड में सबसे पहले ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो मल्टीपल बॉन्ड वाला एटम आपका चला जाएगा एक्सियल, तो एक्सियल पोजीशन ये रही, तो यहां डबल बॉन्ड पर चला गया ऑक्सीजन। नेक्स्ट टर्म आएगी लोन पेयर की, बिकॉज 4 फ्लोरीन है तो 5 बॉन्ड थे और 1 लोन पेयर है, तो लोन पेयर हम रख देंगे इधर एक्सियल पर, फिर लोन पेयर। अब जो बच गया हमारे 4 फ्लोरीन रह गए, वो यहां आ जाएंगे, तो इट मींस इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे हो गया, सी मल्टीपल बॉन्ड रिपेल करेगा बॉन्डों को, तो 4 बॉन्ड नीचे की तरफ झुक जाएंगे और यहां लोन पेयर आ जाएगा। शेप जो बोलोगे आप, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, लोन पेयर है, परफेक्ट नहीं है ऑक्टाहेड्रल, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पिरामिडल बोल सकते हो, स्क्वायर पिरामिड। बट ये वाली बात ध्यान रखनी है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, जो ये वाला पॉइंट दिया मैंने, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ये चीज रखनी है, यही वाली बातें इफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये सारी चीजें अपोजिट कर देनी है sp3d में, अपोजिट कर देनी है मतलब एक्सियल की जगह
इक्विटोरियल पोजीशन पे ले जानी है। कहने का मतलब पहले आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, अगर आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और मल्टीपल बॉन्ड या लोन पेयर आ रहे हैं तो उसको एक्सियल पर पहले रखो, लेकिन अगर आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, यही चीजें हैं मल्टीपल बॉन्ड एटम और लोन पेयर, तो उनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखो। कैसे, इसका भी एग्जांपल शेयर करते हैं अपने। सपोज जस्ट पहले वी स्टडीड अबाउट द i3 नेगेटिव एंड नाउ वी वांट टू सी द शेप ऑफ i3 नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो आप। अभी हमने निकाला था हाइब्रिडाइजेशन आया था, मैंने कहा था कि i3 को ऐसे करके निकालोगे तो इट इज इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। दिस वन द सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवेलेंट एटम 2 और नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा बाय 2, तो कितना आ गया बेटा 5। 5 का मतलब आ गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। पहला पॉइंट तो ये आ गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे हिसाब से शेप होना चाहिए था sp3 में ये वाला, ऐसे बॉन्ड बनने चाहिए थे। अब क्या आया देखो, अब i3 नेगेटिव में एक सेंट्रल एटम आयोडीन है तो दो ही तो आयोडीन अटैच करने हैं, इसका मतलब आपने 2 बॉन्ड बनाने हैं, इसमें 2 बॉन्ड हैं जिसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, इसका मतलब टोटल 5 करने के लिए 3 लोन पेयर आ गए। अब ये लोन पेयर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्डेड एटम को पहले आप रखना स्टार्ट करोगे बेटा किस पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे। इस बार रखना स्टार्ट करोगे इक्वेटोरियल पे, रिपल्सन कम करने के लिए, बिकॉज sp3d है। तो इक्वेटोरियल ये है, ये है, ये है, तो एक लोन पेयर यहां आ गया, एक लोन पेयर यहां आ गया, एक लोन पेयर यहां आ गया, यहां एक आयोडीन आ गया और एक आयोडीन यहां आ गया। अब यहां से क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है हमारी। अब ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, प्रोपिशियस है, कि पूछा जाता है बहुत बार i3 नेगेटिव वाला। अब सपोज मैंने इतना कुछ भी सिखा दिया, फिर भी मैंने एग्जाम में ये प्रॉब्लम दे दिया, हाउ मैनी लोन पेयर आर प्रेजेंट इन i3 नेगेटिव स्पीसीज, क्या आंसर दोगे बेटा, हाउ मैनी लोन पेयर आर प्रेजेंट इन i3 नेगेटिव स्पीसीज, बताओ क्या आंसर देंगे। आई थिंक 3 सर। 3, एनीबडी एल्स सर? 3। 3। अब देखो क्वेश्चन की फ्रेमिंग को बेटा एग्जाम में अच्छी तरीके से समझना है। मैंने बोल दिया i3 नेगेटिव स्पीसीज में, अब आपने चलो स्ट्रक्चर भी बना लिया कि i और i, यहां पर 3 लोन पेयर आ गए, बट ये नहीं भूलना ना, बिकॉज एग्जामिनर जो है वो बहुत ही तेज है, उसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट i3 नेगेटिव, ये तो सेंट्रल एटम पे 3 आ गए। अब ये भी तो बेटा आयोडीन है ऊपर और नीचे वाले, और आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और यहां पर तो एक ही बॉन्ड में गया है, तो इसका मतलब इनके पास भी तो 3-3 लोन पेयर रखे हुए हैं, वो नहीं बताएगा, हमें खुद सोचनी है ये चीज। तो टोटल 9 आ जाएंगे बेटा लोन पेयर, इसको आप ऐसे करके बनाओगे ना, i नेगेटिव, ठीक है, ये बनाना सीख लिया। तो सेंट्रल एटम के बारे में सीखा है आपने, तो सेंट्रल एटम तो बेटा 3 लोन पेयर आ गए, बट ये आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी तो 7 है, एक ही तो गया है बॉन्ड में, इट मींस इसका मतलब यहां भी तो 3 लोन पेयर होंगे, तो इसका मतलब क्वेश्चन आंसर दोगे आप, 3 भी आंसर होगा, 9 भी आंसर होगा, आपने टिक करना है 9। 3 कब करना है समझ रहे हो बात, अगर वो ये क्वेश्चन कैसे पूछता, हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम, हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम, देन योर आंसर इज 3 लोन पेयर। इफ ही वुड आस्क अबाउट द लोन पेयर इन साइड एटम, तो 3 इसके ऊपर, 3 इसके ऊपर, देन कहते आप 6 आंसर होता, एंड उसने टोटली पूछ लिया हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट इन i3 नेगेटिव स्पीसीज, देन आप आंसर दोगे 9। तो आप देखो i3 नेगेटिव स्पीसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d बट इट्स शेप इज लीनियर एंड लोन पेयर टोटल प्रेजेंट 9। सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मुझे बना के दिखाओ, सेम प्रॉब्लम दे रहा हूं बेटा इसी थीम के ऊपर, ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा आपके। xCF2 दे दिया मैंने आपको,
आपने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, शेप निकालना है एंड लोन पेयर निकालना है। कैलकुलेट करो जरा, बिकॉज इट इज वेरी इंडिस्पेंसेबल टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा प्रॉब्लम, पक्का करना है इसको। सर हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी 3डी और लोन पेयर होंगे इसके, एक मिनट सर, एसपी 3डी लोन पेयर सर, एसपी 3डी सर, लोन पेयर 3 होंगे, लोन पेयर शेप शेप। शेप क्या बताओ बेटा, लीनियर होगी, लीनियर शेप, लीनियर। देखो बेटा आपने ऐसे ही तो निकाला एक्स सी एफ टू, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन निकाला, जीनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवेलेंट एटम 2/2, तो 5 आ गया। आपने बोला एसपी 3डी हाइब्रिडाइजेशन सर, इट्स ओके। अब एसपी 3डी हाइब्रिडाइजेशन अगर रेगुलर शेप होती तो 3 बॉन्ड ऐसे होते और 2 बॉन्ड ऐसे होते, बट एक्स सी एफ टू में 2 ही बॉन्ड है, फ्लोरिन तो 2 ही है, तो 2 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब 3 लोन पेयर है। अब 3 लोन पेयर हैं तो ये लोन पेयर कहां जाएंगे, बिकॉज एसपी 3डी हाइब्रिडाइजेशन है तो हम कहेंगे ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो 1 2 3, इसका मतलब यहां पर जीनोन आ गया और यहां फ्लोरीन आ गया, यहां फ्लोरीन आ गया, तो शेप होगी लीनियर, ये भी ठीक है बेटा। फिर देखो आप फिर एक चीज मिस कर गए, उसने आपसे लोन पेयर पूछा था, सेंट्रल एटम पे तो नहीं पूछा ना, टोटल पूछा था आपसे लोन पेयर, तो आप टोटल काउंट करते टाइम ये भूल जाते हो। ये देखो ये लोन पेयर तो हम याद रख लेते हैं, फ्लोरीन है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, हेलोजन है, एक बॉन्ड में जा रहा है, 3-3 लोन पेयर तो इसके पास भी होंगे, देन आंसर अगेन दोगे 9 लोन पेयर, बिकॉज एग्जामिनर छुपा के देगा ना, वो हमारा चच्चा थोड़ी है सीधा बना बना के देगा, वो छुपा के देगा हमें, तो इन फ्लोरीन को भूलना नहीं है भाई, साइड वाले एटम को, कि उसमें भी क्या रखा हुआ है, तो टोटल लोन पेयर, ये आंसर देखो गलत हो गया, 9 लोन पेयर देना अगेन आपने आंसर, बिकॉज वो टोटल पूछ रहा है, सेंट्रल एटम का नहीं पूछ रहा। क्लियर, क्वेश्चन के लास्ट तक जाना एग्जामिनर तक। सर ये एक्सियल वाला और फिर से बताना, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला, एक्सियल वाला तो याद करना है ना, अभी ऊपर बताया, जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन आए, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आए तो कहां रखोगे आप, ये देखो ये सब यहां सारा यही तो बताया, जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आए तो मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले, लोन पेयर वाले या बड़े एटम को एक्सियल पे रखना है। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन आए, sp3d d2 ना d आ जाए, उल्टा कर देना है, एक्सियल की बजाय इन सब को, ऐसे में से कोई भी सिचुएशन आए तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख देना है। अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन आया था sp3d, तो हमारे जो लोन पेयर हैं वो कहां रखेंगे हम, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो आप पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखोगे तो पहले इक्वेटोरियल फिल करोगे फिर बॉन्ड बनाओगे, तो मैंने इक्वेटोरियल पे ही तो रखा इन तीनों लोन पेयर को और फिर फ्लोरीन रख दिए। जी सर, क्लियर, यस सर। आप देखो अब देना, आप गलती मत करना, टॉपिक के एंड तक जा रहे हैं हम, अब मिस्टेक मत करना, सही आंसर देना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं PCl2 या मैं दे देता हूं आपको F3, ये एग्जांपल दे रहा हूं, इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसके, आपको करेक्ट स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है। इन सब में करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है PCl2F3 का, सर थर्ड वाला, सर थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्यों रखा आपने सर, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला आज के पूरे पूरे लेक्चर में मैंने तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट ही नहीं बोला बेटा कि उसको एक्सियल पे रखोगे या इक्विटोरियल पे। सिमेट्री है सर, सिमेट्री है, ऐसा मैंने कहीं नहीं समझा। मैं क्वेश्चन तो वही पूछूंगा जो मैंने आपसे पढ़ाया बेटा। मैंने ना तो सिमेट्री वर्ड यूज किया है आज आज के टॉपिक में, ना मैंने आपका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव किया है। अगर ये दोनों कर रहे हो तो एग्जाम में गलत करके आओगे आप। एक दो क्वेश्चन सही हो जाएगा, एक दो गलत होगा। sp3d है ना, sp3d है, ये ठीक बात बोली आपने। अब sp3d आ गया, आप क्या करोगे? सर इसलिए क्लोरीन को इक्विटोरियल पॉइंट पे भेजा। हाँ, क्लोरीन को इक्विटोरियल पर भेजोगे क्योंकि क्लोरीन लार्ज है बेटा, ज्यादा रिपल्शन करेगा। लोन पेयर, बड़े मल्टीपल बॉन्ड, लार्ज एटम को पहले आप sp3d है तो किस पर भेजोगे पहले आप प्रेफरेंसली? इक्विटोरियल पर। तो ये इक्विटोरियल थोड़ी हुआ बेटा, ये तो एक्सिस है, एक्सिस बन रहा है, तो जो सीधा बॉन्ड होता है वो एक्सिस होता है, तो ये तो सरासरी गलत हो गया। इक्विटोरियल पोजीशन कौन सी होती है? जो ट्रायंगल वाली जो पोजीशन है, तो इसका मतलब ये है इक्विटोरियल। ये है इक्विटोरियल बेटा, इक्विटोरियल पर भेजोगे आप तो ये दो सीएल इक्विटोरियल, जब ये फिल हो जाएगा फिर आप फ्लोरीन भरते रहो कहीं भी। तो इट मींस ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम कहां भेजेंगे? इक्विटोरियल पर। हर एक रूल का ध्यान रखना है। हाँ, जिन बच्चों ने देखो अभी कुछ आंसर दिए थे वो गलत कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। एक कुछ बच्चे बोल रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड यूज नहीं किया बेटा। कुछ बोल रहे थे सिमेट्री, मैंने सिमेट्री वर्ड भी यूज नहीं किया। मैंने इतना जरूर बोला है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ जाए तो जो मल्टीपल बॉन्ड वाले बड़े वाले एटम या लोन पेयर हो उनको प्रिफरेंसली स्टार्ट करो इक्विटोरियल पोजीशन से रखना, और अगर sp3d2 आए तो उसी को आप एक्सियल पे रखना स्टार्ट करो। तो ध्यान से, क्योंकि प्रॉब्लम तो ऐसा ही आएगा। फिर देखो, फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। SOF4 स्ट्रक्चर बनाओ बेटा इसका। SOF4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो वापस हाइब्रिडाइजेशन, अब सेंट्रल एटम सल्फर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6 ऑक्सीजन वाले। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, सिर्फ फ्लोरीन को काउंट करना है बाय 2, तो कितना आ गया 5 वाला। तो हाइब्रिडाइजेशन अगेन आ गया sp3d। अब sp3d में देखो 5 बॉन्ड है जिसमें एटम तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन 5 ही दिखाई दे रहे हैं, तो बॉन्ड तो 5 ही दिख रहे हैं। 5 बॉन्ड में 4 तो हो गए सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन वाले, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला और एक लोन पेयर आ रहा है। अब प्रायोरिटी क्या डिसाइड करोगे? sp3d आ गया आपका, sp3d आ गया तो बॉन्ड रेगुलर ज्योमेट्री तो बेटा ये बननी चाहिए थी। अब आप प्रेफरेंशियली रखो, सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन करेगा? डबल बॉन्ड वाला, तो डबल बॉन्ड को इक्विटोरियल पर ले जाओ। उसके बाद कौन करेगा? लोन पेयर, एक लोन पेयर है उसको भी इक्विटोरियल पर ले जाओ, बाकी जो है उसमें फ्लोरीन रख दो। SOF4 है तो यहां कुछ हमने देखो क्या किया, 6 और 4 10 by 2 5 sp3d 5 वाला बॉन्ड है तो 6 क्यों बनाए? फिर ये लोन पेयर क्यों ले? लोन पेयर नहीं ले रहे ना हम, 5 हो गया, 4 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन आ गया, 4 फ्लोरीन दे देंगे। SOF4 तो इक्विटोरियल पोजीशन पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो रखना है। sp3d2 है तो यही चीज एक्सियल पे रख लेनी है बेटा, यही चीज आपने एक्सियल पे ले जानी है। जैसे ये बनाओ xef4, ये दे दिया मैंने, xef4। तो XEF4 में देखो हाइब्रिडाइजेशन, जीनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 + 4/2 सर sp3d2। बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट बेटा sp3d2। अब sp3d2 देखो 6 वाला आया लेकिन बॉन्ड तो 4 ही दिखाई दे रहे हैं हमें, तो 4 बॉन्ड है मतलब 4 फ्लोरीन है। इट मींस सर एक्सियल पे ले जाएंगे से 2 लोन पेयर आ जाएंगे। अब लोन पेयर अगर एक्सियल पे गए तो अब की बार हाँ, अब एक्सियल पे बिकॉज d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, d1 होता तो इक्विटोरियल पे, d2 है तो एक्सियल पे, एक्सी के एक्सियल पोजीशन ये ऐसे होती।
तो यहाँ हम क्लोन पे होंगे। ऐसे दे देंगे। अच्छा इसमें मुझे जरा ये बताओ कि हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट पूछ लेता तो क्या आंसर देते आप? फ्लोरीन है ना। हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल? सर 14। 14 कैसे? ईच फ्लोरीन पे थ्री होते, थ्री थ्री सिक्स एंड सिक्स 12, 13, 14 देंगे। एंड एट द एंड ऑफ क्लास में आपसे एक प्रॉब्लम पूछ रहा हूं, आईक्यू का प्रॉब्लम है, ध्यान से आंसर देना, सिंपल सा प्रॉब्लम है, मुश्किल भी नहीं है। हाउ मैनी 109 डिग्री 28 मिनट एंगल इन मीथेन, हाउ मैनी 109 डिग्री 28 मिनट एंगल इन मीथेन? How many 109 degree 22 एक आंसर आया है 2। दूसरा बेटा कितना बताया आपने? 6। यस, और कोई? 6। यस बेटा, वेरी गुड, ये आंसर आएगा 6। ये काउंटिंग करनी सीखो आप। देखो CH4 का मॉलिक्यूल सब लोग पढ़ते हैं, इससे इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिल सकता आपको, अगर आता है तो, क्योंकि CH4 की स्ट्रक्चर सब पढ़ते हैं, लेकिन समझ रहा किसने है वही आंसर दे सकता है। CH4 में सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। सपोज इसका, पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, नंबर वन हाइड्रोजन को, इसका इसके साथ कितने डिग्री का एंगल होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। इसके साथ भी कितने डिग्री का होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। इसके साथ भी कितने डिग्री का होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। यही हाइड्रोजन आपके 109 डिग्री 8 के 3 एंगल बनाएगा। अब ये हो गया, चलो अब इस पे आ जाओ सेकंड नंबर पे। इसका इसके साथ तो ले चुके आप 109 डिग्री 28 मिनट, तो अब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, कॉपी में दिखेगा नहीं ये, ये सोचना पड़ेगा आपको, इसका इसके साथ और इसके साथ, मतलब इसका मतलब दो एंगल और बन गए। फिर आ जाओ, ये भी कैंसिल कर लो, अब इस पर आ जाओ। अब ये जो है इन दोनों के साथ तो ऊपर ले चुके हो, सिर्फ ये रहा, इसके साथ एक और एंगल आ जाएगा, ये थर्ड वाले का इसके साथ, तो एक एंगल और आ गया। अब ये वाला तो सबके साथ हो चुका, तो 3, 2, 1। और मैथ्स जिसको आती है उसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपके पास 4 एटम है तो पहला एटम 3 एंगल बनाएगा, दूसरा एटम 2 एंगल बनाएगा, थर्ड एटम 1 बनाएगा, फोर्थ एटम 0 बनाएगा, टोटल हो जाएगा 6। तो अगर एग्जाम में आ जाए हाउ मैनी, मैनी पूछ ले, काउंटिंग पूछ ले, हाउ मैनी 109 डिग्री 28 एंगल इन CH4, देन योर आंसर इज 6। वैल्यू ऑफ एंगल पूछे, देन 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर बेटा, कर लोगे? दो चीजें निकालनी सीखनी है, एक आपको हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड शेप। अगर ऐसा कर लोगे तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपका मिलेगा एग्जाम में और आएगा जरूर। तो अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे कोवलेंट आयनिक बॉन्डिंग और डायपोल मोमेंट। इस चैप्टर में काफी कुछ है करने के लिए, तो नेक्स्ट क्लास देखते हैं। सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। जब तक सर, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? इस बेटा ये चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग है ना, पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग, ये तो समझ लो हार्ट है केमिस्ट्री का, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं हर चैप्टर में क्वेश्चन मिलेंगे, तो 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, 5-7 क्वेश्चन मिल जाते हैं रिलेटेड। कहीं से मान लो पी ब्लॉक वाला आ गया, वो भी इससे रिलेटेड होगा, एस ब्लॉक वाला आ गया, रिलेटेड हो जाएगा। और आपका ये केमिकल बॉन्डिंग तो है ही, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग तो हर एक मॉलिक्यूल में आएगी ना, तो ये चैप्टर बड़े अच्छे से आना चाहिए कंपटीशन करने के लिए। क्लियर जी सर? थैंक यू। यस सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में सर, ये CH4 वाला जैसे होता है, उसके जैसे CCl4 में भी होता है ना? हाँ बिल्कुल, कोई भी हो जिसमें भी चार एंगल ऐसे आएंगे ना, CCl4 हो या CH4 हो, तो चार एंगल हैं, तो 3, 2+1 ये यूज कर लेंगे, टोटल 6 एंगल आ जाएगा।
ओके सर, ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.